नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। एक और नोटिफिकेशन आया आरजेएस का, और आज ही आया है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें कट ऑफ भी बहुत कम है, और किस कैटेगरी की है मैं बता दूंगा। और देखो, बात ये आती है कि इनमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस कैटेगरी में, अब उनको तो लगभग एक महीना ही बचा है। अभी आज 27 तारीख हो गई, 31 तारीख को पेपर है। और जो रूल कहते हैं कि रूल है 45 डेज मिलने चाहिए रिजल्ट से, जब इन बच्चों का जो रिजल्ट आया, आपका नाम भी हो सकता है अगर आपने इस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। मैं आपको बोलता भी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आरजेएस से रिलेटेड रिट भी लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है, कुछ भी डिसीजन होगा, पोस्टपोन का हो चाहे कुछ और चीज़ का हो, आपको अपडेट मिल जाएगी इस चैनल पे। और देखो क्या है, वैसे पोस्टपोन होने के चांस तो ना के बराबर है, मुझे लगता नहीं है वैसे होगा पोस्टपोन। बट फिर भी आप और भी जैसे ये चीज़ हो गई, अभी नोटिफिकेशन आया था फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए भी आया था, प्री के नंबर आपने देखे नहीं है तो देख सकते हो आप लोग जाके। बहुत बच्चों को प्री के नंबर देखने में बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे आपने आरजेएस का फॉर्म फिल किया था, वही मेल आई, वही मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, सिविल जज का खोलना है 2024 का, उसके ऊपर पोर्टल है एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक करो, लॉग इन करो, आपको मिल जाएंगे आपके मार्क्स। बहुत ईजी तरीका है, बट बच्चों को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या कर सकते हैं इससे रिलेटेड भी। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास कि सर हम मार्क्स नहीं देख पा रहे। और मैं अभी बात करूंगा कि नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे कि कितनी। वैसे मैंने हालांकि वीडियो बना दिया, फिर भी मैं जब आरजेएस की बात कर रहा हूं तो हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट है। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले, अपना आगे बढ़ाएं, वापस पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन आज ही आया 27/7/2024 को। ये लिखा हुआ है इन्होंने, नोटिफाइड ये कैंडिडेट रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं, जनरल बिलोंग टू जनरल एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जनरल कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन का, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, प्री एग्जाम हुआ था 23/6/2024 को, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैडर ऑफ सिविल जज 2024, प्रोविजनली क्वालिफाई किए हैं मेन एग्जाम के लिए, ये रोल नंबर दे रखे हैं, और 10 से ऊपर रोल नंबर है, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ वही है 35। देखो रूल्स आए थे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आरजेएस की वैकेंसी नहीं आई थी ना, उससे पहले रूल्स अमेंड हुए थे, उसमें एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया था, फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी रिजर्वेशन दिया था, एज में भी रिलैक्सेशन दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हालांकि मैंने वीडियो बनाया था जब रूल्स आए थे, अब मुझे याद नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हुई थी, फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ शायद अलग से आई नहीं है इस बार, और काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे थे। बट देखो लास्ट टाइम तो शायद जब फाइनल रिजल्ट आया था उसमें आई थी फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ। अब जैसे एक्स सर्विसमैन वालों का इन्होंने अलग से निकाला है, हो सकता हो फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ अलग से निकाल दे, तो चैनल से बने रहना, कोई भी अपडेट आएगी मैं दे दूंगा। बट कन्फ्यूजन यही है कि 45 डेज का रूल्स जो है सुनने में जो आता है कि वो इन बच्चों को, मतलब ये सीनियर होंगे काफ़ी एक्स सर्विसमैन वाले, इनको टाइम उतना मिलेगा नहीं मिलेगा। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब भी इसलिए है क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ, उसकी रीच इतनी होती नहीं है। अब जैसे वीडियो भी मैं आज रात को ही डालूंगा, हालांकि मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ आज। मैंने MP सिविल जज का जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने PIL फाइल हुई थी, उसमें क्या डिसीजन दिया अगर देखा नहीं तो देख लो जाके, जो 70% वाली चीज़ थी उसको चैलेंज किया गया था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, आज सुबह मॉर्निंग में भी डाला। अब तीसरा वीडियो होगा इस चैनल पे जो मैं डालूंगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी ये बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो भी हैं ये लोग सीनियर लोग, उनको वैसे भी कम टाइम बचा है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और शेयर कर देना आपके कोई जानकार हो तो उनको भी पता चल जाएगी, हाँ ये रिजल्ट आया है, ये क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप की भी कट ऑफ कुछ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, इनका भी वही मेंस की डेट वही है सेम, 31 अगस्त 1 सितंबर, ऐसा नहीं कि अलग से कोई मेंस की डेट है इनके लिए। और कट ऑफ काफ़ी कम है, 35 मार्क्स है, तो आप सोच सकते हो जो मेंस देंगे अगर इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं मेंस के पेपर में तो ये सेलेक्ट होने के चांसेस हैं इनके काफ़ी। और ये है क्योंकि देखो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में एक तो GK नहीं आती, लोकल लॉ के नाम पर एक रेंट कंट्रोल आता है। जो जनरल कैटेगरी है, आप बोलोगे सर इतनी कट ऑफ कैसे चलेगी, पेपर भी इतना हार्ड था, जनरल कैटेगरी में हर स्टेट के बच्चे फाइट कर रहे हैं, चाहे वो अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी में आते हो, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, है ना,
बट जब राजस्थान आते हैं तो वो उनको जनरल से ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो उससे कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज हो रही है। और अदर कैटेगरी आप देखोगे राजस्थान में जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनमें कट ऑफ कम गई है, तो यही रीज़न है। और अदर स्टेट में देखो जैसे यूपी में जीके आती है, एमपी में भी आती है, एमपी में तो एलिजिबिलिटी भी चेंज हो गई है, बहुत सारी स्टेट हैं जिसमें जीके आती है तो बच्चे जाते नहीं हैं। और एक स्टेट में वैकेंसी आने वाली है सिविल जज की, कल वीडियो अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में, तो उसमें आप लोग अप्रोच कर सकते हो, उसमें जीके नहीं है, हिंदी बेल्ट वाली वैकेंसी है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, राजस्थान से हो चाहे हरियाणा से हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल वीडियो डाल के अपलोड कर दूंगा। अब बात आती है राजस्थान की, देखो राजस्थान की अगले साल वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जनवरी फेब में वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी, गर्मी तक आपका प्री होने के चांसेस हैं, इस बार डिले नहीं होगी चीज़ें। अगर रूल से रिलेटेड अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो वही सेम चीज है, रूल्स इनको अमेंड करना पड़ेगा अगर नए लॉ इंक्लूड करने हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न है, जैसे केरल में 3 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया, राजस्थान में भी ऐसा कुछ होगा, तो राजस्थान में ऐसे होने के चांसेस कम है, कहीं सुनने में भी नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होगा, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बस चैनल से आप बने रहना तो आपको पता चल जाएगा। वैकेंसी 50 से 100 करीब आने की उम्मीद है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा क्योंकि 117 वैकेंसी अभी 51 वैकेंसी नोटिफाई करी है इन्होंने ACGM की, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, नई वैकेंसी नोटिफाई हुई है 18 तारीख के आसपास, अगर आपने वो वीडियो देखा तो देख लो। और 66 वैकेंसी ACGM की पहले नोटिफाई हो रखी हैं और प्रमोशंस होंगे, प्रमोशन सुनने में आ रहा है 60 से 70 करीब प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तो वो कोर्ट खाली वही होंगी JM मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की ही कोर्ट खाली होंगी। आप बोलोगे 222 वैकेंसी को सर कहाँ बिठाएंगे, वो इनमें ही पहले से कोर्ट खाली है, एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं काफ़ी लोग, मेरी सिस्टर को एडिशनल चार्ज मिला हुआ है और काफ़ी लोगों को एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं, ACGM के काफ़ी एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं, तो कोटे पहले से खाली हैं। और वैकेंसी इस साल भी बनेगी क्योंकि रिटायर्ड होते हैं लोग, तो मान के चलो 50 से 100 वैकेंसियाँ आएंगी, मिनिमम 50 वैकेंसी तो आएंगी, 100 करीब बोलोगे सर 222 तो लास्ट टाइम, इस बार तो 222 थी, 222 इसलिए थी क्योंकि 3 साल की वैकेंसी करीब थी, तो 3 साल का 3 साल में पेपर हुआ नहीं था, 3 साल की एक साथ वैकेंसी को पेपर कंडक्ट कराया इसलिए 222 वैकेंसी थी। और राजस्थान में अभी तक इतना बड़ा कैडर आया नहीं है, ठीक है, पहले 180 करीब था, फिर 197 करीब था, इस बार 222 करीब वैकेंसी आई है और ये 3 ही बड़े कैडर है, और जो 187 के आसपास कैडर था उनका प्रमोशन होने में मतलब 3 बार में शायद प्रमोशन हुआ है, फिर प्रमोशन होने में टाइम लगता है, क्यों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। चलो कोई नहीं, आपको ये बताना था, शेयर कर देना, एक सर्विसमैन वालों के लिए नई कट ऑफ आई है, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ आपको, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।